नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भी जदयू और बीजेपी के बीच जो खींचतान देखी जा रही है, विपक्ष का भी ये दावा है कि जो है ताजपोशी किसी और की होने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। और कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो घटनाक्रम बिहार में पिछले दिनों घटित हो रही है वो इस बात के पर्याप्त संकेत दे रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी यहाँ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में कुछ न कुछ खींचतान है, जो सामने भी आकर इतना संकेत जरूर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अस्थिर करने में लगी है। उसकी क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, वो तो बीजेपी वाले बताएंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का अपना आवास को छोड़ के एक नए आवास में जाना, जो मुख्यमंत्री आवास के रूप में रेखांकित नहीं है, तारांकित नहीं है, उस घर में एकाएक शिफ्ट हो जाना, राजद नेता राबड़ी देवी जी के यहाँ आयोजित इफ्तार पार्टी में उनका जाना और उत्साह के साथ लोगों से मिलना जुलना, तो मैं समझता हूँ कि एक नए राजनीतिक समीकरण की पृष्ठभूमि बन रही है और जो परिस्थितियां हैं वो बताने को पर्याप्त हैं कि बिहार में राजनीतिक तौर पे कुछ बड़ा हलचल होने वाला है और कुछ बड़े पैमाने पर फेरबदल की गुंजाइश दिख रही है। मुख्यमंत्री भी अब स्वीकार कर चुके हैं क्या कि सीएम के जो है वो कुछ फेरबदल हो सकते हैं बिहार में? देखिए, मुख्यमंत्री के मन में क्या है या वो क्या स्वीकार कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है वो ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो लगातार पिछले दिनों के बाद देखा कि बहुत सारे अमर्यादित बयान आए मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी ने यहाँ तक कह दिया कि ये सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है, बीजेपी वालों का बयान था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बार बयान आया कि हमारे मंत्रियों को नीतीश कुमार ही काम नहीं करने दे रहे हैं। यह एक गंभीर आरोप है। इस तरह की बातें तभी आती हैं जब सहयोगी दल के अंदर में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब जो घटनाक्रम घटित हो रहा है वो यह समझने को, समझाने को, बताने को पर्याप्त है कि बिहार में राजनीतिक तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। कहे भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं बिहार में, उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के पास पर्याप्त संख्या बल तो है ही, सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, अभी बाय इलेक्शन में भी उनकी पार्टी की जीत हुई है, विधान परिषद के चुनाव में भी उनके कई लोग चुनकर आए हैं। जो परिस्थिति बन रही है, अगर उसने एक आकार ले लिया तो एनडीए से बड़ा बहुमत तो इधर दिख ही रहा है, जो महागठबंधन के साइड दिखेगा आपको। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार जी स्वयं क्या फैसला लेते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हम लोग भी घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी भी अपनी भूमिका का निर्धारण करेगी। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक ज़्यादा जो समय नहीं लेंगे, एक सवाल है कि बीजेपी जो हाल के दिनों में तिरंगा झंडा को लहरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और काफ़ी चर्चा में है, विपक्ष का आरोप है कि जो मुद्दे हैं उससे हट करके बीजेपी जो है वो बात कहती है और मुद्दे की बात नहीं करती है। देखिए, राष्ट्रध्वज और तिरंगा को लेकर हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वो अपना सम्मान प्रकट करे, और कोई तिरंगा झंडा को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर राष्ट्रध्वज को लेकर इतना ही प्यार और सम्मान है तो उन्हें बताना चाहिए कि आरएसएस के मुख्यालय पर आज़ादी के बाद 52 वर्षों तक कभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं लहराया गया। इसकी क्या वजह है? कई अलगाववादी संगठन भी अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराते हैं, लेकिन ये लोग तो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तो आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा का नहीं फहराया जाना 15 अगस्त और 26 जनवरी को, मुझे लगता है उस अपराध बोध से ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी और उसको ढकने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम करती है। इस तरह का आयोजन एक इवेंट मैनेजमेंट है, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये लोग बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं
कि नहीं, ये बताना पड़ेगा आरएसएस के मुख्यालय में आज़ादी के बाद 52 वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, इस बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष जो है वो उसमें उनमें जलनशीलता की भावना देखी जा रही है, वो नहीं चाहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड बने और गिनीज बुक में जो है ये इस बात को दर्ज किया जाए। ये निराधार बातें हैं। कोई तिरंगा लहराएगा, तिरंगा को लेकर चलेगा तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन वही कहा ना कि आप 52 वर्षों तक तिरंगा छुआ तक नहीं, भगवा झंडा फहराते रहे, अब आप एकाएक तिरंगा लहरा के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप तिरंगा को लेकर घूमिए, रोज़ घूमिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े लोगों को देना पड़ेगा। शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस एमएलसी। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज फाउंडेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।